हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाभिक के आकार के बारे में कि नाभिक का आकार क्या होता है। तो जो रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, कौन सा? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष से नाभिक के आकार को निर्धारित किया गया, जिसका मान कितना था बच्चों? नाभिक के आकार का मान 10^-14 मीटर कोटि का था। बिल्कुल, रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था बच्चों, उससे जो निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए, वहां से नाभिक के आकार या फिर यूं कहूं नाभिक की त्रिज्या का निर्धारण किया गया, और वो त्रिज्या कितनी थी? 10^-14 मीटर कोटि की थी। यहां तक बच्चों बात क्लियर होती है? ये नाभिक की त्रिज्या का निर्धारण किया गया था। फिर यहां से हमें क्या पता चलता है कि रदरफोर्ड के प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि यह चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिक का आयतन उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या, किसकी संख्या बच्चों? न्यूक्लियनों की संख्या। अच्छा, न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियनों की संख्या होती है बच्चों द्रव्यमान संख्या, और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से। तो नाभिक का आयतन उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती होता है। यह हमें जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था ना, वहां से बच्चों निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक का आयतन उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती होता है। तो बच्चों अगर देखिए आप, नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, नाभिक का आयतन कितना होगा? नाभिक का आयतन बच्चों मैं लिखता हूं 4/3 πr³। 4/3 πr³ ही होगा नाभिक का आयतन। तो ये किसके समानुपाती है बच्चों? द्रव्यमान संख्या ए के समानुपाती है। अब देखिए आप, 4/3 π तो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं r³ समानुपाती है किसके? ए के। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर बच्चों मैं इसे r ही प्रेजेंट करना चाहूं तो दोनों तरफ 1/3 से पावर 1/3 से मल्टीप्लाई, मतलब ए की वैल्यू कितनी बचेगी? मतलब आर समानुपाती किसके आएगा? ए की पावर 1/3। आर क्यूब समानुपाती ए था, तो आर किसके समानुपाती? ए की पावर 1/3 के। ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब अगर मैं यहां से ये समानुपाती का चिन्ह हटाना चाहूं तो बच्चों क्या आएगा? तो आएगा एक कॉन्स्टेंट। तो वैल्यू आएगी r = r₀ a^1/3। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। और आर नॉट है बच्चों, वो क्या है? वो है समानुपाती स्थिरांक। कौन है? समानुपाती स्थिरांक है। कौन? आर नॉट। अच्छा बच्चों, आर नॉट की वैल्यू क्या होती है? आर नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 1.2×10^-15 मीटर। ये आर नॉट की वैल्यू है। इसे आप आर नॉट की वैल्यू को ये भी लिख सकते हो 1.2 fm। क्यों? क्योंकि बच्चों 10^-15 मीटर में 1 fm होता है। fm का मतलब क्या है? ये होता है फेमटोमीटर, या फिर इसे फर्मी भी बोलते हैं। इसे आप बोल सकते हो r₀=1.2 fermi, या फिर इसे ये बोल सकते हो r₀=1.2 femtometer। यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी बच्चों? बहुत बढ़िया। अब देखिए एक चीज यहां पर चीज आ रही है, आर जो है वो है क्या? वो है त्रिज्या। किसकी? नाभिक की त्रिज्या है। लेकिन आपको क्या पता है बच्चों कि ए का जो मान है ना, ए का मान
अलग अलग परमाणुओं के लिए क्या होगा, अलग अलग परमाणुओं के लिए अलग अलग होगा। तो जो नाभिक की त्रिज्या है बच्चों, वो नाभिक की त्रिज्या भी भिन्न भिन्न के लिए भिन्न भिन्न होगी। देखिए नाभिक की त्रिज्या है वो किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, वो डिपेंड कर रही है ए पर। तो जब ए की वैल्यू अलग अलग परमाणुओं के लिए अलग अलग है, तो अलग अलग परमाणुओं के नाभिक की त्रिज्या भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होगी। हमने स्टार्ट किया नाभिक का आकार, हमें पता है कि रदरफोर्ड ने हमें यह बताया था कि जो ये आकार जो है नाभिक का या नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10^-14 मीटर कोटि की होती है। फिर हमने देखा कि रदरफोर्ड के निष्कर्ष, रदरफोर्ड के प्रयोग से निष्कर्ष ये निकल रहा था कि नाभिक का आयतन होता है वो समानुपाती है न्यूक्लियनों की संख्या के। तो हमने इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाया, हमें पता चला कि 4/3 πr³ नाभिक का आयतन है वो समानुपाती होगा। ए के तो आर की क्यूब समानुपाती हुई, ए के तो आर की वैल्यू समानुपाती हुई बच्चों 1^(1/3) के। फिर हमने समानुपाति का चिन्ह हटाया तो यहां पर वैल्यू आई आर नॉट, और आर नॉट क्या होता है, आर नॉट है समानुपाती स्थिरांक। ये चीजें बच्चों यहां तक क्लियर हुई। फिर हमें पता चला आर नॉट की वैल्यू 1.2×10^-15 मीटर होती है, और 10^-15 मीटर में कितने होते हैं, 1 फर्मी होता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों, इसको दोबारा एक बार देख लीजिए आप। सारा क्लियर हुआ होगा, अब फिर अपन डस्टर कहाँ गया, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल बच्चों ये है 13 aluminium 27 के नाभिक की त्रिज्या बताओ। अच्छा बच्चों आपको पता है आपके पास रिलेशन कौन सा है, इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन क्या है, आर, क्यों, क्योंकि आर क्या बता रही है, नाभिक की त्रिज्या को बता रही है। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अच्छा यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये नाभिक की त्रिज्या बताने वाले एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब एल्यूमिनियम के लिए बच्चों ए की वैल्यू कितनी होती है, एल्यूमिनियम के ए की वैल्यू होती है 27। आर नोट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपको पता है आर नोट की वैल्यू कितनी है, 1.2×10^-15 मीटर। अब वैल्यू यहां पर ये दोनों को, दोनों जो वैल्यूज है वो यहां पुट कर दीजिए, तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.2×10^-15 इंटू ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 27 की पावर कितनी, 1/3। तो आर की वैल्यू कितनी, 1.2×10^-15 इंटू 3, 27 की पावर 1/3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आर कितना आएगा, यह आएगा 3.6×10^-15 मीटर। चाहे तो नाभिक की त्रिज्या ये लिख दीजिए, या फिर आप ये लिखिए आर इज इक्वल टू 3.6 फेमटोमीटर, या फिर 3.6 फर्मी। ये उत्तर आया है बच्चों, या आपके पास 13 aluminium 27 के नाभिक की त्रिज्या का मान आ चुका है। फिर एक और न्यूमेरिकल पर बात करते हैं अपने। अगर हीलियम का, हीलियम की द्रव्यमान संख्या, न्यूमेरिकल यह है बच्चों कि हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4 है, तथा सल्फर की द्रव्यमान संख्या 32 है, तो सल्फर का नाभिक हीलियम के नाभिक का कितने गुना होगा,
बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, सिर्फ आपको दी क्या है हीलियम की द्रव्यमान संख्या दे दी, और बच्चों किसकी दे दी, सल्फर की द्रव्यमान संख्या दे दी, और आपसे पूछ लिया कि सल्फर का नाभिक हीलियम के नाभिक से कितना बड़ा होगा। अब आपको यह न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बच्चों, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, या फिर यूं भी कह सकते हो कि सल्फर के नाभिक की त्रिज्या हीलियम के नाभिक की त्रिज्या का कितने गुना होगी। अब स्टार्ट करते हैं, मैं सबसे पहली चीज लिखता हूं यहां पर, हमें जो दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, हीलियम की द्रव्यमान संख्या बताओ कितनी है, चार बताई हुई है। दूसरी चीज है बच्चों, सल्फर की द्रव्यमान संख्या बताओ कितनी बताई हुई है, 32। अब यहां पर वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, हमें सल्फर के नाभिक की त्रिज्या हीलियम के नाभिक की त्रिज्या की कितना गुणा है ये बतानी है। देखो अगर ये गुणा बताना है तो इनका रेशियो लेते हैं, मैं लिखता हूं त्रिज्या किसकी, सल्फर की, और अपॉन में त्रिज्या किसकी, हीलियम की। और ये वैल्यू, अब आर सल्फर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आर निकालने का तो फॉर्मूला यही होता है, तो आर नोट ए की पावर 1/3 अपॉन आर नोट ए की पावर 1/3, ये तो है सल्फर के लिए और ये है बच्चों हीलियम के, तो आर नोट से तो आर नोट पहले कैंसिल हो गया, तो आर एस अपॉन आर एच की वैल्यू कितनी आई, मतलब सल्फर की त्रिज्या बटा हीलियम की त्रिज्या की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी ए बटा ए की पावर 1/3, ये है सल्फर के लिए और ये है हीलियम के लिए, तो आर सल्फर बटा आर हीलियम ये कितना आएगा, ये चीज देखिए आप, ये आ जाएगा सल्फर वाली वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 32, तो 32 अपॉन 4 की पावर 1/3, तो आर सल्फर अपॉन आर हीलियम इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 8 की पावर कितनी है बच्चों, 1/3, और ये हो जाएगा आर सल्फर इज इक्वल टू 2 गुना आर हीलियम। तो सल्फर के नाभिक की त्रिज्या है वो हीलियम के नाभिक की त्रिज्या का 2 गुना होगी। तो बच्चों ये था नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का टॉपिक, और इसमें कई बार इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, या फिर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर है ये भी वैल्यू कई बार पूछ ली गई है कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।